area under the curve. In short, we also call it AUC. AUC. Physics में normally बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है. Area under the curve. शुरू करें. Good morning all of you. The next chapter is area under the curve. Area under the curve, ठीक है? By vertical strip, by vertical strip, दो तरीके से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेके, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके. फिजिक्स वाले चमत्कारी हैं, इसलिए थीटा पे भी स्ट्रिप ले लेते हैं. हम भी लेंगे लास्ट में जब बहुत बड़े हो जाएंगे. शुरू में हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप से बात करेंगे. किसी को मेरी बातें ही नहीं समझ में आती यार. जब आप लोग चूजे थे, चूजे इलेवेंथ क्लास में, तो आप थीटा पे जाके डी थीटा की स्ट्रिप लेके मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता नहीं क्या क्या निकाल लेते थे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है? तो हम तो अभी फिलहाल सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करेंगे. इसमें हमने तीन केस बनाए. केस वन, इफ एफ ऑफ एक्स lies completely above the x-axis, completely above the x-axis. अगर y is equals to fx, completely above the x-axis, ठीक है? Task क्या है? Task, task पहले लिखना चाहिए था, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं. To find the area bounded by y is equals to f of x, x axis between two ordinates. X is equals to A and X is equals to B. अगर y is equals to fx, completely x axis के ऊपर बोला गया है, मान लीजिए इस तरह का कोई कर्व है, y is equals to f of x, मुझे एरिया क्या निकालना है? एरिया बाउंडेड बाय y is equals to f of x एंड x axis between two ordinates x is equals to a and x is equals to b, between two ordinates x is equals to a and x is equals to b, यानी कि ये वाला एरिया निकालना. यहां मान लीजिए मेरा y एक्सिस है सपोज, हाँ ये वाला एरिया निकालना है मेरे को. इसके लिए मैंने क्या सीखा है कि मैं x पे जाके, ये वाली चीज हम उसमें भी कर चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक्स में जाके मैंने डी एक्स विड्थ की एक छोटी सी स्ट्रिप कट करी. स्ट्रिप डी एक्स इज व्हाट? वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, एक्स वेरी स्मॉल चेंज इन, तो डी एक्स की विड्थ जो बहुत मतलब टेंड्स टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो के केस में दिस स्ट्रिप कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेक्टेंगल. एक्स सुन रहे हो क्या? एक्स पे मेरा फंक्शन क्या देगा? एफ ऑफ एक्स. तो इसकी हाइट कितनी हो गई? f ऑफ x या फिर y, y या फिर f ऑफ x, ये तो क्या हो गई इसकी हाइट. हाइट विड्थ कितनी है? dx. तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया? y dx या फिर f ऑफ x dx, कुछ भी लिख सकते हैं. समझ रहे हो? ऐसे स्ट्रिप्स, ऐसे स्ट्रिप्स a से लेके b तक, a से लेके b तक बना के अगर ऐड किया जाए, जिसके कंटिन्यूस एडिशन को इंटीग्रल ए टू बी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सो दिस विल गिव मी द एरिया ऑफ माई रिक्वायर्ड फील्ड. ये मुझे मेरा एरिया दे देगा. ये वाली बात हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी करी थी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन डज नॉट गिव मी द एरिया, बट इट हेल्प्स मी टू गिव द एरिया. इट हेल्प्स मी कैसे? अगर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस कर, तब तो एरिया ही देगा. ये एरिया कब नहीं देता? जब ये ग्राफ जो है वो उस दरमियान एक्स एक्सिस के नीचे भी आ जाता है.
है ना। केस टू, केस टू, इफ एफ ऑफ एक्स लाइज कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, यदि एफ ऑफ एक्स कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस है, लॉजिकली समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीज। शुरू में थोड़ी सी चीजें मैं शुरू धीरे धीरे इसीलिए बता रहा हूँ, लॉजिकली समझिए, भावनाओं बहने की कोई जरूरत नहीं है। ए से बी के बीच में अगर ग्राफ पूरी तरह से नीचे है, ग्राफ किसका बनाया गया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। शुरू से मैंने आपको हमेशा एक ही चीज पे स्ट्रेस कराया है, ग्राफ पर आउटपुट मिलते हैं, ग्राफ पर आउटपुट नेगेटिव रहे होंगे इसीलिए ग्राफ नीचे है, आउटपुट नेगेटिव रहे होंगे इसीलिए ग्राफ नीचे है, सिंपल सी बात है भाई साहब। मैंने x पे जाके वही सेम काम किया, dx की स्ट्रिप कट करी, किसकी स्ट्रिप, dx की, आउटपुट कितना मिला, y। नोट करने वाली बात, y इट दिस टाइम नेगेटिव, y की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, इसलिए तो नीचे है भाई, y की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अगर ये एरिया वाई डी एक्स रिप्रेजेंट किया जाएगा तो एरिया विल बी नेगेटिव, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, इसकी नेगेटिव वैल्यू है, किसकी, वाई डी एक्स। इस नेगेटिव वैल्यू को मैंने ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर दिया, कर सकता हूँ, सारी नेगेटिव आएंगी, सारी नेगेटिव 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 क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जुड़ के इस पूरे की वैल्यू कैसे देगी, नेगेटिव में एरिया, तो इसका मॉड ले लें, इसका मॉड विल गिव मी द एरिया, सिंपल सी बात, इसका मॉड विल गिव मी द, और या फिर बड़े होने की वजह से मैं इसका नेगेटिव भी लिख दूंगा तो भी मुझे एरिया मिलेगा, कोई समस्या, अगर इसका माइनस भी लगा दूंगा तो आई शुड गेट द एरिया, क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू कैसे आई, नीचे आई है, माइनस लगाने से पॉजिटिव मिल जाएगा, कोई समस्या। केस थ्री क्या हो सकता है, आधा जरूरी नहीं, मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, केस थ्री, इफ एफ ऑफ एक्स लाइज अबव एंड बिलो द एक्स एक्सिस, यदि एफ ऑफ एक्स ए और बी के बीच में किसी पॉइंट सी पर क्रॉस करता है, किसको, एक्स एक्सिस को, मेरा रिक्वायर्ड एरिया ये वाला है, द रेड वन इज माई रिक्वायर्ड एरिया, तो इसके एरिया के एक्सप्रेशन को मुझे कैसे लिखना चाहिए, इसके एरिया के एक्सप्रेशन को मुझे कैसे लिखना चाहिए, एरिया विल बी ए टू सी माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या तो ऐसे लिख लो या मॉड ले लो, ठीक है, बात एक ही, प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये माइनस वाला सबको समझ में आया, ए से सी में चूंकि एरिया नीचे कवर हो रहा है इसलिए माइनस लगाना जरूरी, अगर आपको माइनस बुरा लग रहा है तो आप मॉड लगा लीजिए, बात एक ही है, कुछ लोगों ने ऐसे भी बोला था कि सर पूरा इंटीग्रल ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स कर लें तो कोई दिक्कत है क्या, आप बता दो भाई, बात तो वही है, आप जब मॉड एफ एक्स को डिफाइन करोगे तो ए से सी में नेगेटिव डिफाइन करोगे, ये बनेगा, सॉरी जो माइनस लिखा था अपन, माइनस ही बनेगा, और सी से बी में आप इसे पॉजिटिव खोलोगे तो पॉजिटिव बनेगा, इसी चीज को कंबाइंड करके ऐसे लिख सकते हो,
ऑप्शन में तो हो ही सकता है, किसी को मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? ये जो आंसर है ना, ये जो मैंने लिखा है, सुन रहे हो क्या? इंटीग्रल ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स, तो तीनों ही केस में सही है। तीनों ही केस मतलब केस वन में भी लिख सकता था, केस टू में भी लिख सकता था, केस थ्री में भी लिख सकता था। केस टू में कम्प्लीटली नेगेटिव है इसलिए पूरे के आगे माइनस आ जाता है, केस वन में कम्प्लीटली पॉजिटिव था इसलिए माइनस आता ही नहीं है, केस थ्री में कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव है इसलिए एक बार माइनस एक बार पॉजिटिव है। कि क्लियर है? क्लियर है? ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स तो हम तीनों ही केस में लिख सकते हैं। कोई समस्या? क्वेश्चन।